कोरोना संक्रमण का असर जहां एक ओर आम जनता पर पड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसका प्रभाव धार्मिक अनुष्ठान एवं त्योहारों पर भी पड़ रहा है। ऐसा ही असर सोलन के श्राद्धों में भी देखने को मिल रहा है। शहरवासी केवल औपचारिकता निभाने के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि सभी डरे हुए हैं कहीं श्राद्ध के आयोजन के चलते उनके घर में कहीं कोरोना ना प्रवेश कर जाए। दूसरी ओर शहर के पंडित भी शहरवासियों के घर में कोरोना के डर से जाने से कतरा रहे हैं। भोजन ग्रहण करने की बात तो दूर है, उनका कहना है कि भोजन ग्रहण करने से वे कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। सभी शहरवासी बढ़ते कोरोना मामलों से बेहद चिंतित हैं। यही कारण है कि वे किसी के संपर्क में ना आ जाएं और अपनी जान को जोखिम में ना डालें, इसके लिए सतर्कता बरत रहे हैं। शहर के पंडित ने बताया कि इस वर्ष शहरवासी अपने घरों में पंडितों को बुलाकर खाना खिलवाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे कोरोना संक्रमण से बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि शहरवासी इस बार पंडितों को केवल राशन उनके निवास स्थान पर ही उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले श्राद्धों में धार्मिक अनुष्ठान पूरी विधि से होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि उन्हें भी शहरवासियों के घरों में जाते रहने से डर लग रहा है। मेरा नाम त्रिलोचन प्रसाद है। आजकल लोग जो है यो सीधा सिंपल श्राद्ध जो है सिंपल से मरा रहे हैं, सीधा निकाल के दे रहे हैं, और जो है कोरोना वायरस से डर रहे हैं। पूजा पाठ भी लोग जो है कम सम करा रहे हैं, इतना नहीं करा रहे हैं। जी तो क्या मानते हैं कि कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है श्राद्ध में? पड़ रहा है, कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है श्राद्ध में। कोरोना वायरस के कारण जो है वो है, लोग कुछ डरे हुए हैं, कुछ कोरोना वायरस है इस कारण से डरे हुए हैं। तो क्या लोग अपने घरों में पिलाते हैं जैसे पहले श्राद्ध के दौरान, जैसे कि पूजा अर्चना हुआ करती थी और हवन भी हुआ करते थे, क्या अब भी वैसी प्रक्रिया से? ना ना, अब तो वैसे नहीं हो रहे हैं, वैसे हवन ववन नहीं करा रहे हैं। जो क्या कहते हैं जैसे नामकरण का है या जन्मदिन का, सूक्ष्म से वैसे करा रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं करा रहे हैं।